खबर धारियावास क्षेत्र से है। जी हां, आज हम आप सभी दर्शकों को रूबरू करवाते हैं सालबी मालवी बलाई समाज के भोईसी, जो भोई समाज के नृत्य कलाकारों द्वारा ही आज भी भारतीय संस्कृति को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आमजन तक पुरानी रीति रिवाजों के साथ ही आधारित धार्मिक, सांस्कृतिक और हास नाटकों को जीवित रखे हुए हैं। बता दें कि भोई नृत्य में करीबन 7 से 8 कलाकार व्यक्तियों का एक समुदाय होता है, जो अपने इष्ट देव भगवान शिव शक्ति और माँ चामुंडा की भक्ति और गांव-गांव तक ठाड़ी ठाड़ी तक पहुंचाता है और भोई नृत्य प्रस्तुत करता है। बता दें कि मान्यता के अनुसार ही जहां भी किसी मोहल्ले या फिर क्षेत्र में भोई नृत्य का आयोजन किया जाता है, वहां पर क्षेत्र और मोहल्ला की सालवी समाज द्वारा ही माता रानी की असीम कृपा बनी रहती है तो और किसी भी प्रकार की कोई आपदा नहीं आती है। बता दें क्योंकि इसमें इनके ईश देवता के खांडा खड़क से सभी प्रकार की विपत्तियों का नाश कर दिया जाता है। वैसे तो भोई नृत्य में कई कलाकारों के किरदार होते हैं, जिनमें से मुख्य नाटक की भूमिका में राजा रानी और बंजारा का होता है, सती सावित्री का नाटक, राजा हरिश्चंद्र का नाटक, बाबा रामदेव का नाटक, शायर नीर का नाटक, हास्य कलाकार राजा रानी, चोर सिपाही और गुजरी जमादार का किरदार, गांव के बोराजी गड़ारिया लोहार जैसी कई हास्य किरदार होते हैं। बता दें कि जो भी भूपा जी के साथ ही दृश्य की अहम भूमिका निभाने का काम करते हैं और सभी अपने अपने किरदारों को अहमता से अदा करते हैं। बता दें कि दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर हंसा हंसा कर लूटपोट कर देते हैं और दर्शकों का मनोरंजन भी किया जाता है। बता दें कि आज भी भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे ऐसे छोटे कलाकार हैं जो कि भोई नृत्य का मनोरंजन राजस्थान, मालवा, बागड़ जैसे शहरों और गांव-गांव तक, ठाड़ी ठाड़ी तक इलाकों में पहुंचाते हैं और सभी को नाच नाच कर दिखाते हैं। वहीं धारियावाद परगड़ा क्षेत्र के कुम्हारवाड़ा निचला बाजार भौरजी मंदिर के पास ही 3 दिवसीय भोई नृत्य कला का कार्यक्रम किया गया है, जहां पर नाटक कार्यक्रम को देखने के लिए प्रतिदिन सालवी समाज के अलावा ही आसपास मोहल्लों की सैकड़ों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि नागरिकों से नृत्य कला नाटक कार्यक्रम के देखकर भरपूर आनंद उठाया जा रहा है और अन्य समाज के नागरिक भी उपस्थित रहते हैं।